तो देखिए जयंती पर जंग लगातार जारी है, यानी जयप्रकाश नारायण की जयंती आज है और ऐसे में समाजवादी पार्टी बार बार कह रही है कि हमें जयंती मनाने से आखिर क्यों रोका जा रहा है। हम जेपी एनआईसी सेंटर पहुंचना चाह रहे हैं, हम चाहते हैं कि जेपी नारायण के प्रतिमा पर माल्यार्पण करें, लेकिन इससे हमें केंद्र सरकार बार बार रोक रही है। तो साथ ही देखिए इस पूरे मामले को लेकर के जिस तरीके का विवाद इस वक्त चल रहा है, इस पर सियासत भी खूब हो रही है। तो इसी बीच में एक पत्र जो बहुत तेजी के साथ वायरल हो रहा है, लखनऊ विकास प्राधिकरण ने जयप्रकाश नारायण की जयंती के अवसर पर जेपी एनआईसी जाने के अखिलेश यादव के कार्यक्रम के संबंध में एलजीए सचिव ने एक पत्र जारी किया और इसमें लिखा है कि जेपी एनआईसी एक निर्माण स्थल है जहां निर्माण सामग्री बेतरतीब ढंग से फैली हुई है, बारिश के कारण कई कीड़े होने की संभावना है और सपा प्रमुख अखिलेश यादव को क्योंकि जेड प्लस श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त है, जिसके कारण सुरक्षा कारणों से उनको प्रतिमा पर माल्यार्पण करने से रोका जा रहा है, लेकिन वो ये बात समझने को तैयार नहीं है। भी जबरन जेपी एनआईसी में दीवालों को फांद करके कूद फांद करके वहाँ क्षतिग्रस्त करने का इनके कार्यकर्ताओं ने काम किया था। चूँकि वो बंद पड़ा है, जेपी एनआईसी बंद है वो बिल्डिंग, तो वहाँ सुरक्षा कारणों से वहाँ बंद पड़ी बिल्डिंग में अनुमति चूँकि माल्यार्पण की नहीं दी जा सकती है, तो यहाँ विकास प्राधिकरण ने, लखनऊ विकास प्राधिकरण ने कल ही अवगत करा दिया था अखिलेश जी को। मैं समझता हूँ कि अखिलेश जी को चूँकि सुरक्षा भी उच्च श्रेणी की प्राप्त है, शायद जेड प्लस श्रेणी की सुरक्षा उन्हें प्राप्त है, तो उन्हें एलडीए की बात को सुरक्षा कारणों से स्वतः ही संज्ञान लेते हुए उस तरह का कार्यक्रम वहाँ जाने का, जबरन घुसने का जो प्रिंसिपल ने किया वो निर्णय नहीं लेना चाहिए था। श्रद्धांजलि जयप्रकाश नारायण जी को तो कहीं से भी की जा सकती है, कहीं से भी दी जा सकती है, और उनके जयप्रकाश नारायण जी के बारे में श्रद्धा का भाव, आस्था का भाव, सम्मान का भाव कहीं से भी प्रकट किया जा सकता है। इस तरह की हठधर्मी करना, इस तरह से जबरन प्रयास करना जैसे लास्ट ईयर कूद फांद करके किया गया, वहाँ नुकसान पहुँचाना, वहाँ पुलिस वालों के साथ अभद्रता करना, ये मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी की जो फितरत रही है उसी का एक हिस्सा हो सकता है। फिलहाल देखिए ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं लखनऊ से, और इस वक्त जिस तरीके से विवाद की स्थिति इस वक्त बनी हुई है, आप इन तस्वीरों को देखकर के समझ सकते हैं कि किस तरह पिछली बार भी यहां दीवार फाड़ने की कोशिश की गई थी अखिलेश यादव की ओर से, और इस बार भी इसी प्रकार की कुछ तस्वीरें दिखाई देती नजर आती है। हालांकि इसके पहले ही सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा चुके हैं। साथ ही साथ देखिए इस पूरे मामले को लेकर के ये माना जा रहा है कि सियासत की जा रही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर के अगर आपको ज्ञात हो तो इस बारे में जानकारी आपको दे दे कि जेपी एनआईसी और जेपी की विरासत पर लखनऊ में आखिर ये पूरा हंगामा क्यों बरपा है, सपा और योगी सरकार को आखिर इसका फायदा या नुकसान किस तरीके से होगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे मुलायम सिंह यादव का यह मानना था कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नाम पर लखनऊ में एक स्मारक सेंटर बनाया जाए और इसी के लिए पूरी तैयारी भी कर ली गई थी, लेकिन उस दौरान इस सेंटर का काम शुरू हो पाता उससे पहले ही मुलायम सिंह यादव की सरकार चली गई। और उसके बाद से 2012 में जब अखिलेश यादव की दोबारा सरकार आई, क्योंकि इस बीच में मायावती की भी सरकार उत्तर प्रदेश में रही थी और उस दौरान ही सेंटर के काम को अधूरा छोड़ दिया गया था, उसे पूरा नहीं होने दिया गया, जिसके बाद जब 2012 में अखिलेश यादव की सरकार आई तो इस सपने को दोबारा से साकार करने की कोशिश अखिलेश यादव की ओर से की गई। लेकिन अभी पूरा विवाद दिन पर दिन अलग अलग पैमाने पर बढ़ते चले गए और अब इस साल की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आप 5 अलग अलग कैमरे के एंगल से इन तस्वीरों को देखिए और समझिए पुलिस बल किस तरीके से कितनी भारी तादाद में यहां पर तैनात की गई है। दूसरी तरफ आप अगर तस्वीर को देखेंगे तो बीते रात की तस्वीर भी आप देख रहे हैं, जब अखिलेश यादव यहां पहुंचे थे तो जो पहले से दीवार थी उस दीवार को कैसे टीन शेड का इस्तेमाल करते हुए उस दीवार के बाहर भी एक और ऊंची दीवार खड़ी करने की कोशिश की गई, इसको लेकर भी हमला बोला अखिलेश यादव ने। और अब आप जब तीसरी तस्वीर को देखेंगे तो ये हाल फिलहाल की आज सुबह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, और फिर आप और दो तस्वीरों को जहां
सपा कार्यकर्ता मौजूद आपको दिखाई दे रहे हैं इन तस्वीरों में, क्योंकि भारी संख्या में सपाइयों को बुलाया गया और ये भी कहा गया कि अखिलेश यादव की आवाज पर ही तमाम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता एकत्रित हो और अपनी अपनी आवाज को उठाए। और पिछले साल की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, जिस वक्त जो दीवार थी इस सेंटर की, उस सेंटर की दीवार को लांघ कर जाने की कोशिश, फान कर जाने की कोशिश अखिलेश यादव ने की थी। दरअसल ये पूरा विवाद लंबे समय से चला आ रहा है और बार बार अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के तमाम नेता और कार्यकर्ता यही आरोप लगाते हैं कि केंद्र सरकार कुछ तो है जो छुपाना चाह रही है। और फिलहाल ये जानकारी आपको दे दें, जो ये आप बिल्कुल मिड फ्रेम की जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, बीचों बीच जो तस्वीर आपको दिखाई दे रही है, ये सीधी तस्वीर है, यानी लाइव तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए किस तरीके से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव अपने कार्यकर्ताओं के साथ आगे बढ़ते हुए धीरे धीरे दिखाई दे रहे होंगे। और साथ ही आप इस बैरिगेटिंग को तोड़ने की कोशिश कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से की जाए। तो फिलहाल ये अपडेट हम आपको दे दें कि ये जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की भीड़, दरअसल ये अपडेट आई है कि जब केंद्र सरकार की ओर से ये प्रयास किए गए कैसे रोका जाए, तो अब मूर्ति को समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के घर ही लेकर आया जा रहा है, वही माल्यार्पण वो करेंगे और अब वो सेंटर की ओर आगे नहीं बढ़ेंगे। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं ये समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के घर के बाहर की तस्वीरें हैं। उनके आवास के बाहर समाजवादी पार्टी का इस वक्त कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ा हुआ है और यहाँ समाजवादी पार्टी की ओर से लक्ष्य पहले ही तय किया गया कि किस तरह आज किसी भी स्थिति में जयप्रकाश नारायण की जयंती मनाई जाएगी और साथ ही माल्यार्पण भी किया जाएगा। क्योंकि बीते वर्ष की तस्वीर आपको याद होगी, जब जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के लिए दीवार को लांघ गए थे अखिलेश यादव, लेकिन इस बार तस्वीर इसके उलट दिखाई देती है। पहले तक यह ऐलान किया गया था कि एक बार फिर से उसी सेंटर में प्रवेश किया जाएगा, माल्यार्पण किया जाएगा प्रतिमा पर, लेकिन अब प्रतिमा को ही बाहर लेकर आया गया और अब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के आवास के बाहर उस प्रतिमा को आप देख भी पा रहे हैं। और फिलहाल जो तस्वीरों में इस वक्त आप समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की भीड़ देख रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ चमकर नारेबाजी भी की जा रही है और इसी नारेबाजी के बीच में अखिलेश यादव इस वक्त मूर्ति के पास पहुंच रहे हैं और साथ ही अब माल्यार्पण करने की व्यवस्था की शुरुआत हो रही है। तो फिलहाल ये देखिए तस्वीरें प्रतिमा के पास जो आप देख रहे हैं, अखिलेश यादव अपने हाथों में माला लेकर इस वक्त खड़े हैं और साथ ही समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को नारेबाजी करने की ओर इशारा कर रहे हैं, क्योंकि नारेबाजी लगातार जारी है। एक हाथ में उनके समाजवादी पार्टी का झंडा भी, तो वहीं दूसरी तरफ तिरंगा भी दिखाई दे रहा है कुछ कार्यकर्ताओं के हाथों में। और साथ ही साथ ये एक संकेत देने की कोशिश है, एक संदेश देने की कोशिश है केंद्र सरकार को भी, या खुले तौर पर हम इसे चुनौती के तौर पर भी देख सकते हैं उत्तर प्रदेश सरकार को भी और साथ ही केंद्र सरकार को भी, क्योंकि अब तक कई बड़े आरोप अखिलेश यादव की ओर से और उनकी पार्टी की ओर से लगाए जा चुके हैं। साथ ही ये कहा जा चुका है कि क्या केंद्र सरकार इस सेंटर को भी बेचने के फिराक में है, आखिर क्यों सेंटर नहीं जाने दिया जा रहा है। तो माल्यार्पण करने की सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, जयप्रकाश नारायण की जयंती पे जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा को अखिलेश यादव के आवास के बाहर तक लाया गया और अब उस मूर्ति पर अखिलेश यादव ने माल्यार्पण किया है। तो पिछले बार भी इसी तरीके से विवाद गरमाया था और इस बार भी ये विवाद उसी तरह गरमाता हुआ दिखाई आपको दे रहा है। लखनऊ से सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां एक और समाजवादी पार्टी की ओर से तमाम बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार पर, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने एक जिद उठानी थी, एक पहल के तहत में उन्होंने समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं और नेताओं को एक जगह पहुंचने के लिए कहा था और इसी के साथ में अब देखिए माल्यार्पण इस वक्त वो मूर्ति पर कर चुके हैं। फिलहाल इन तस्वीरों के साथ नारेबाजियों को भी आपको एक बार सुनवा देते हैं।
लखनऊ से देख रहे हैं और अखिलेश यादव के आवास के बाहर की तस्वीरें हैं, जहां पर इस वक्त समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ा है और साथ ही सपा के प्रमुख अखिलेश यादव भी इन तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहे हैं। आपसे कुछ ही देर में वो मीडिया के सामने अपनी बात भी रखने वाले हैं। एक और जहां तमाम नारेबाजियों के बीच में माल्यार्पण करने के लिए अखिलेश यादव पहुंचे, तो दूसरी ओर आप समाजवादी पार्टी की ओर से क्या कुछ सुनवाते हैं आपको? हम लोग जयंती मनाते हैं, लेकिन पता नहीं इस सरकार क्या कारण है, जयंती के लिए रोक रहे हैं, माल्यार्पण नहीं करने दे रहे हैं। ये रोकने का काम ये नया नहीं है, भारतीय जनता पार्टी ने हर अच्छा काम रोका है, लेकिन आज हम लोग सड़क पे खड़े होकर के जननायक जयप्रकाश जी को याद भी कर रहे हैं। ये सरकार रोकना चाहती है कि हम माल्यार्पण न करें, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर सड़क पे ही माल्यार्पण कर दिया है। जयप्रकाश जी के नाम पर जो स्मारक बना है उसको इसलिए ढका हुआ है, कहीं साजिश है उसके पीछे, और साजिश ये कि लोग बेचना चाहते हैं। सोचिए ऐसी सरकार जो म्यूजियम बेच रही हो, जननायक भारत रत्न जयप्रकाश जी के स्मारक को भी बेच रही हो, उससे क्या उम्मीद करोगे लोकतंत्र में और संविधान की रक्षा? समाजवादी लोग जयंती हर साल मनाते हैं और इसी तरह मनाते रहेंगे। आज पुलिस ने रोका है, ये पुलिस कब तक खड़ी रहेगी? जैसे ही पुलिस हटेगी हम लोग फिर जयंती को मनाएंगे, वहीं पर भारत रत्न जयप्रकाश जी को हम लोग वहीं जाकर के सम्मान करने का काम करेंगे। ये सरकार गूंगी बहरी तो है ही, लेकिन आजकल इसको दिखाई भी नहीं दे रहा है। इनके विकास के काम तो रोके ही हैं, लेकिन सही मायने में देखोगे तो विनाशकारी सरकार है। भारतीय जनता पार्टी के लोग विनाशकारी लोग हैं, इन्हें कोई अच्छी चीज दे दो उसका विनाश कर देंगे। हम समाजवादी लोगों को पहले भी रोकने की कोशिश की थी, लेकिन आज क्योंकि नवरात्र की रामनवमी है, त्योहार के दिन भी सोचिए कैसा अधर्म का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी दावा करती है कि वो सभी त्योहारों को मनाती है, बताओ हम समाजवादियों को त्योहार भी नहीं मनाने दे रही है, हम लोगों को भी नहीं मनाने दे रही, अपने प्रेस के साथियों को भी नहीं मनाने दे रही है, पुलिस कर्मियों को भी नहीं मनाने दे रहे हैं, और सोचिए क्या साजिश है, खुद त्योहार मना रहे हैं और हम लोगों को त्योहार नहीं मनाने दे रहे हैं। ये अगर त्योहार नहीं होता, आज ये त्योहार नहीं होता, तो ये बल्लियां और ये बैरिकेडिंग और टीन के शेड समाजवादियों को नहीं। बिहार के मुख्यमंत्री जी भी हैं, समय समय पर जननायक जयप्रकाश जी उनके बारे में, वो उन्हीं के आंदोलन से वो निकले हैं, ये मौका मिला है उन्हें भी। ऐसी सरकार जो समाजवादियों को जयप्रकाश जयंती के दिन याद नहीं करने दे रही, उस सरकार से समर्थन वापस ले लें, क्योंकि बिहार के नीतीश कुमार जी इसी आंदोलन से निकले हैं। जननायक जयप्रकाश जी के साथ रहकर के उनके आंदोलन को उन्होंने मजबूत बनाया है। समाजवादी चिंतक जयप्रकाश जी, समाजवादी विचारक, आजादी की लड़ाई में भूमिका निभाने वाले गांधी जी के साथ रहकर के उस आंदोलन को और
बढ़ाने वाले ऐसे लोगों को आज हम सम्मान से रोक रहे हैं, लेकिन हम समाजवादी लोग जिस तरीके से सम्मान देते रहे उसी तरीके से सम्मान करते रहेंगे, क्योंकि नवरात्र है, त्योहार है, इसकी आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। जगह बनी है और मुझे याद है जिस समय नेताजी ने शिलान्यास किया था उस समय देश के सोशलिस्ट नेता नेताजी के साथ जॉर्ज फर्नांडिस से लेकर के बहुत बड़े पैमाने पे नेता रहे थे उस समय, और इस समय यही कोशिश थी कि देश का सबसे अच्छा एक सेंटर बने जहां पर समाजवादी लोग।